नगर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी शाला में 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग देने वाले हुतात्मा संतों की आत्मशांति के लिए आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ में शनिवार को 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं गोवर्धन पूजा का वृहद वर्णन किया गया। व्यासपीठ पर विराजमान भागवत भूषण श्री श्री 1008 श्री मदन मोहनदास जी महाराज ने कहा कि प्रकृति पूजा ही वास्तव में गोवर्धन पूजा है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में यही संदेश देते हैं। उन्होंने बताया कि इंद्र को अपनी सत्ता शक्ति पर घमंड हो गया था। उसका गर्व दूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन की पूजा शुरू कराई। इससे कुपित इंद्र ने भारी जलवृष्टि कर ब्रज के लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन भगवान के प्रलय से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। समूचा ब्रज प्रदेश गोवर्धन के नीचे आ गया। 7 दिन बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। यह कथा केवल इंद्र के मानमर्दन की ही नहीं है, बल्कि ये हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देती है। भागवत भूषण श्री मदन मोहनदास जी ने पूतना वध, माखन चोरी सहित कई लीलाओं का वर्णन किया। कथा के दौरान गोवर्धन पूजन का उत्सव उल्लास से मनाया गया। संगीत पर श्रद्धालु झूमते देखे गए। सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी शाला के महंत पूरन वैरागी पीठाधीश्वर स्वामी रामसेवकदास जी के सानिध्य में आयोजित यह कथा 17 जून तक चलेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रकाश शर्मा, इंदिरा शर्मा, दीपक शर्मा, प्रमोद शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, पूजा शर्मा, कामाक्षी शर्मा श्रद्धालु उपस्थित थे। गिरधर तेरी आरत गाओ, हरि तेरी आरत गाओ, हरि तेरी आरत गाओ।